हेलो फ्रेंड्स, जागृति वेज फूड में आपका स्वागत है और मैं हूँ जागृति भट्ट। आज हम बनाएंगे केरी छुंदा रेसिपी। वैसे तो छुंदा जो है धूप में बनाया जाता है फ्रेंड्स, 4-5 दिन तक चलता है बनाना, और कई जगह पर होता है ऐसा कि धूप नहीं निकलती और वो ये अचार बना नहीं पाते, तो स्पेशली उसके लिए ये अचार बहुत ही इजीली बन जाएगा और बिल्कुल वैसा ही बनेगा फ्रेंड्स जिस तरह से हम धूप में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आम लिया है, ये राजापुरी आम लिया है मैंने, जो बिल्कुल खट्टापन कम होता है इसमें। और आप कोई भी अपनी पसंद का आम यूज़ करें फ्रेंड्स, तो थोड़ा कच्चा पक्का जैसा है, थोड़ा सा पीलापन दिख रहा है पर यह आम बिल्कुल कच्चा है फ्रेंड्स। तो इस तरह का आम अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा अचार बनेगा स्पेशली छुंदा के लिए। तो देखो इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे, कोई भी छलनी, आप थोड़ी मोटी छलनी भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा वाला छीन अगर आप चाहते हैं तो। देखो इस तरह से हम सारे आम को छील लेंगे। तो यहाँ पे 200 ग्राम जितना छिला हुआ आम है उसमें हम नमक डालेंगे और हल्दी पाउडर थोड़ी सी डाल देंगे छोटी चम्मच, और नमक, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 5 से 7 मिनट का हम रेस्ट देंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे मिक्स करके अच्छे से। तो 5 से 7 मिनट के बाद हम देखेंगे, तो देखो ये आम जो है उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है, थोड़ा अच्छे से मसल के पानी निकालेंगे। अगर आप खट्टा वाला आम लेते हैं फ्रेंड्स तो उसका उसमें से जो ज़्यादा पानी निकल आए तो फिर आप थोड़ा इस तरह से दबा के पानी को निकाल ले, और अगर बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है तो ऐसे ही रखें फ्रेंड्स, और ज़्यादा पानी है तो भी निकाल लें। तो देखो ये हमने अच्छे से मसल के तैयार कर लिया, बस इसमें इस तरह का लचकापन हो ऐसा हमें चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा पानी है, एक्स्ट्रा पानी है तो फ्रेंड्स निकाल दीजिए। और जितना हमने आम लिया है फ्रेंड्स और उतना ही हम इसमें चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। चीनी थोड़ी मेल्ट होना शुरू हो जाए तब तक हम इसे गैस ऑन किए बिना ही ऐसे ही नीचे हम मिलाएंगे। तो देखो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे तो चीनी वैसे आम के साथ गीली होगी तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स। इस तरह से करने से जो हमारा अचार है तले पे लगेगा नहीं और जलेगा नहीं। तो देखो इसमें से चीनी का पानी होना शुरू हो गया है। अभी हम गैस की फ्लेम को ऑन करके उसके ऊपर हम ये कढ़ाई रख देंगे। तो आप देख रहे हैं चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखना है फ्रेंड्स, मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से इसे इस तरह से हिलाते हुए पकाएंगे। तो देखो ये उबलना शुरू हो गया है। अभी हम तार वाली चाशनी, 1 से 1.5 तार वाली चाशनी आए तब तक हम इसे उबालेंगे, ऐसे ही उबालना है तब तक फ्रेंड्स। अभी हमारी चाशनी थोड़ी थोड़ी बनना शुरू हो गई है, अभी हम इसमें तज स्टिक और लौंग डाल देंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। अगर आप पसंद नहीं करते ना डालें तो देखो इस तरह से अच्छे से मिक्स करके हिलाते हुए पकाए, इसे छोड़ के कहीं ना जाए फ्रेंड्स, ध्यान रखें। वैसे ये झटपट बन जाएगा फ्रेंड्स। तो देखो ये ठीक होने लगा है, अभी चाशनी हमारी तैयार होने लगी है। आप देख रहे हैं एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है सारा। तो अभी चाशनी को चेक करेंगे, देखो एक तार बन रहा है, बस इस तरह की चाशनी हमें चाहिए। तो
तो ये अचार हमारा बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा कढ़ाई को छोड़ने लगा है। बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है, अभी गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया, नहीं तो हमारा अचार की चाशनी जो है हार्ड बन सकती है फ्रेंड्स। और तुरंत ही इसे किसी और बाउल में ट्रांसफ़र कर ले ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है थम तो जाए। देखो ये अचार हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है फ्रेंड्स। एकदम ठंडा होने के बाद हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर मिलाएंगे। लाल मिर्ची पाउडर हमेशा ठंडा होने के बाद मिलाए ताकि इसका कलर और टेस्ट दोनों चेंज ना हो जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कोई भी कांच की बोतल, स्टरिलाइज की हुई बोतल में भर लेंगे और इसे पूरे साल तक आप आराम से खा सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिगड़ेगा नहीं। तो फ्रेंड्स बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जागृति इस वेज फूड पर शेयर करें। बताएं कैसी लगी आपको रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।